Adun dana virmani sikha padin smad yoni Adun dana virmani sikha padin smad yoni Dhammapad gatha katha number 146 ya 146 ये जरा वगों की यानी जो बुढ़ापे का वग है, जरा माने बुढ़ापा होता है, ज्यादा उम्र का होता है, उस वग की पहली कहानी है, पहली गाथा है। विशाखा ने एक विशाखा क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी उपासिका थी सावित्री के अंदर, और सती सावित्री कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो सती जो अध्ययन था, जो सती जो विपसना होती है, जिसको सती पठान बोलते हैं या महासती पठान बोलते हैं, वो महासती पठान भी की हुई थी और बहुत ज़्यादा लोगों को और महिलाओं को प्रेरित करती थी कि आप विपसना साधना सीखें, सती का ज्ञान सीखें, महासती का ज्ञान सीखें। इसलिए क्योंकि सावित्री के अंदर बहुत ज़्यादा सतियाँ थीं, बहुत ज़्यादा महासती पठान करके स्त्रियाँ थीं, महिलाएँ थीं, इसलिए उनको सती सावित्री बोलते हैं या सती सावित्रियाँ या सती आज की डेट में श्रावस्ती यानी श्रावस्ती की सतियाँ। और वही जो महिलाएं जो सर मुंडाकर सती हुआ करती थी उन्हीं को बाद में जलाया गया जबरदस्ती ताकि वो भिखुनी ना बन सकें और भगवान बुद्ध के उजाले को ना फैला सकें। जबरदस्ती उनकी हत्या करके मारा जाता था, लोगों को याद रहे इसलिए उसका सती का मंदिर यानी जो महासती पठान करके आई हुई महिलाएँ थीं उनका मंदिर बनाया जाता है, जगह जगह ये आपको मिलते हैं। तो विशाखा ऐसी ही एक सती सावित्री थी, सावित्री की सती। उसने लगभग 500 महिलाओं को इकट्ठा किया और उनको पुब्बाराम जो उसने दान दिया था भगवान बुद्ध को एक बिहार, उसमें इकट्ठा करके एक सभा हुई और सभा के लिए आमंत्रित किया। तो जैसा कि क्योंकि वो सारी की सारी जो महिलाएं थीं वो क्या करती थीं कि उनके पति जो शराब वगैरह का सेवन करते थे, तो वो कुछ महिलाएँ उनमें से शराब को छुपा कर पी गईं और शराब पी के वो आईं, क्योंकि उन्होंने समझा कि कोई मेला ठेला होगा, वहाँ जा रहे हैं तो मौज मस्ती करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ ध्यान साधना तपस्या होगी और ये शराब और ये जो बेकार चीज़ें इनको छोड़ने का वहाँ सिखाया जाएगा। नशा पता करके वहाँ आई थी, नशे ने अपना काम किया, सभा आरंभ हुई तो कुछ औरतें नशे के मद में मस्त होके वहाँ फूल जलूल हरकतें करने लगी, कोई ताली बजाने लगी, कोई नाचने लगी, कोई ज़ोर ज़ोर से गाने लगी, कोई घूमने लगी। इस तरह की वहाँ निर्लज्ज जो हरकतें वहाँ औरतों ने कुछ ने करके देखी, तो भगवान बुद्ध ने आदेश दिया कि सभा को अभी स्थगित किया जाए, सस्पेंड किया जाए। तो सता जो सभा थी वो जब स्थगित हुई तो उसमें जो अच्छी महिलाएं थीं जो धम्म को सीख रही थीं, जो जाग रही थीं, उन्होंने उन महिलाओं को बड़ा लताड़ा, बड़ी उनकी निंदा की, उनको कहा कि तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती, यहाँ भगवान के यहाँ आए हुए हैं यहाँ धम्म सीखने के लिए और तुम इसको शराब को पी के यहाँ आके नंगा नाच कर रही हो। तो ऐसा सुन के उनको बड़ी निंदा सुन के बड़ी शर्म आई और उनकी जो शराब है नशा है वो उनका हिरन हो गया, गायब हो गया, और बहुत ज़्यादा उन्हें फील हुआ, बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, बड़ी ग्लानी हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा अनुताप हुआ। तो वो वहाँ उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी, तो उसके बाद भगवान ने फिर जब सभी माहौल ठीक हो गया तो देशना आरंभ की। तो उस देशना में उन्होंने जो कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली ये गाथा है। को नु हासो किम आनंदो, को नु हासो, कोनू हासो मतलब जो महिलाएं वहां हंस रही हैं उनके लिए कह रहे हैं कोनू हासो, कह रहे कैसी हंसी, काहे की हंसी, किम आनंदो, क्या आनंद है जो तुम हंस रही हो, जो तुम ये जोर जोर से चिल्ला रही हो, इसमें क्या आनंद है। निच्चंग पज लीते सती, निच्चंग माने लगातार, लगातार माने नित्य, क्या हो रहा है, पज लीते जल रहा है, क्या जल रहा है, सती, सती का मतलब है जो प्रज्ञा है, जो समझ है, यानी कि जो तुम्हारी समझ है और जो तुम्हारी प्रज्ञा है, जो तुम्हारा सती पठान है, जो तुम्हारी सती की अवस्था है, वो लगातार लगातार जल रही है। यहाँ सती शब्द जो आया है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सती की जो पथा है, सती का जो पथ है, सती का जो एक पथ होता है तो पथ बोलते हैं और पथा बोलते हैं, और बहुत सारे हों तो पथ बोलते हैं, तो पथा करके है, यानी कि सती की पथा है, सती का मार्ग है। इस सती का जिक्र यहाँ है कि यानी तुम्हारी जो सती है वो लगातार जल रही है, तुम्हारी जो जागरूकता है, जो तुम समझ है तुम्हारी, वो लगातार जल रही है। तो किस बात के लिए हंस रही हो, किस बात के लिए ये आनंद तुम्हें आ रहा है। अंधकारेन ओनद्धा, अंधकारेन ओनद्धा, यानी अंधकार के द्वारा, ओनद्धा माने ढके हुए हो, तुम सब लोग अज्ञान के अंधकार में ढके हुए हो, मतलब पाप कर्म तुम लगातार करते जा रहे हो, अंधकार तुम्हें चारों तरफ से घेर रहा है, तुम्हारी मौत धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, उसने तुम्हें कवर कर रखा है, उजाले को नहीं आने दे रहा है, समझ को नहीं आने दे रहा है।
पदीपंग ने गवेसत, पदीपंग माने पदीप पूरी तरह से, पदीप को जो प्रदीप का मतलब होता है जो दिया होता है यानी जो रोशनी होता है दीपक होता है, दीपक को बोलते हैं पदीप, यानी पूरी तरह से दीपक को ने गवेसत, क्यों नहीं, ने माने नहीं और गवेसत माने तुम इसको खोजते हो, गवेषणा करते हो, खोजते हो, क्यों नहीं तुम अपने प्रकाश के दीपक को खोजते हो, अपने अंदर के उजाले की सच्चाई को खोजते हो। ये भगवान बुद्ध ने उन औरतों के लिए देशना दी और उन औरतों को ये समझ में आया कि ये जो हम उधम उचा रहे हैं और ये जो हम हा हा ही हू कर रहे हैं और साहब की के जो कर रहे हैं ये तो वास्तव में अंधेरा है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, हमको उजाला खोजना चाहिए। ये गाथा उस समय भगवान बुद्ध ने कही थी। तो भगवान बुद्ध जो कहते हैं कि हंस क्यों रहे हो और हंसी क्यों आ रही है, बेसिकली जब कोई व्यक्ति मादक पदार्थ पीता है या कोई महिला मादक पदार्थ पीती है तो मादक पदार्थ पीने से क्या होता है, उसके शरीर के अंदर जितने भी राग हैं और जितने भी द्वेष हैं वो बलवती हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं और उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो समझ है वो कमज़ोर पड़ जाती है। नशीला पदार्थ समझ को खा जाता है, ज्ञान को खा जाता है और बुराई को बढ़ा देता है। ये हर नशे के पदार्थ की गुण होता है, इसलिए भगवान ने नशे के पदार्थ के लिए मना किया। और आनंद क्यों आता है उसमें, आनंद इसलिए आता है क्योंकि हम पाप में फंसे हुए होते हैं तो और पाप मिलता है हमें, और पाप मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मन की इच्छा पूरी हो रही है और वो हमें बहुत बड़े लगता है, तो हम उस पाप की वजह से पाप हमको हंसाता है ताकि और पाप आए, और पाप आए और हमारी मृत्यु जल्दी हो जाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि अत दीपो भवतु, यानी कि अपना दीपक खुद जलाओ। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि प्रकाश जो है तुम्हारा उसको दीपक को क्यों नहीं जलाते, तुम्हारा सती ज्ञान, तुम्हारा जो तुम जो महिला हो सावित्री की, सती सावित्री हो, तुम्हारा सती का ज्ञान जल रहा है, लगातार जल रहा है, इसको देखो। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Sangam.
साधु। स्मादियामी कामेश निचचर विर्मनि सिखा।